शिवसेना जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में कल सोमवार को पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि पुलिस सिटी कोतवाली द्वारा आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि जो फरियादी है उसकी तरफ से FIR दर्ज हो चुकी है। आरोपीगढ़ फरियादी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिससे वह दर दर भटक रहा है और अपने घर पर नहीं जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के साथ विदिशा प्रभारी लोकेंद्र ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विश्वकर्मा, गोसेवा जिला अध्यक्ष जगदीश राठौर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोनू धाकड़ आदि सैकड़ों शिव सैनिक उपस्थित थे। लोकेंद्र सिंह ठाकुर, ये सुजन अहिरवार हैं जो कि दलितों के साथ आज के समय 5 तारीख 8वें महीना 2 महीने पूर्व की बात है, जब ये SP साहब से मिलने आ रहा था, तभी कमल सिंह द्वारा इसको मेडिकल हॉस्पिटल के साथ मारपीट की और इसको धमकी दी गई, अगर तूने मेरे खिलाफ FIR की तो तुझे जान से मार दूँ। तो इसके द्वारा ये कलेक्टर साहब के पास जान से मारने की धमकी दी है और आरोपियों को अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा ना तो किसी प्रकार का गिरफ्तार किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई। रिपोर्ट तो हो गई है, लेकिन अपराधियों के द्वारा बार बार इसको धमकी दी जा रही है कि पुलिस प्रशासन हमारा क्या कर लेगा। समय हो गए 2 महीने 5 तारीख 8वां महीना आज विदिशा SP साहब से मिलने आए। किस चीज का ज्ञापन? जिले में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके साथ कई थाना अंतर्गत हुई है और विदिशा थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है कि पीड़ित पक्ष जो है SP साहब के पास जिले में जो हो रही घटनाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति के लोगों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए कम से कम प्रशासन के द्वारा कठोर कदम उठाए जाएं।